बार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है केएमसी हेल्थ सिटी एंड केएमसी कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। यूपी के मेरठ में सोमवार को दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने बागपत रोड पर मलियाना फ्लाईओवर के निकट व्यापारी कर्मचारी से 4 लाख रुपए लूट लिए। लूट की इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारी का नाम रविंद्र है और वह केसरगंज में थोक विक्रेता व खल चोरी व्यापारी चंद्रमोहन सिंगल के लिए काम करता है। आज दोपहर 12 बजे रविंद्र बागपत के मलियाना रोड स्थित साबुन गोदाम से व्यापारी से 4 लाख रुपए लेकर केसरगंज लौट रहा था। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उसे रोक लिया और हथियारों के बल पर उससे बैग छीन लिया। रविंद्र ने फर्स्ट बाइट को घटना के बारे में यह जानकारी दी। फिर बैग का कैसा पक्का पता चला? मेरे को थोड़ा होशी आई तो तब मैंने देखा डिग्गी थी। अच्छा, देखा तो उसमें चालान होता है। कितने पैसे थे चालान में? 4 लाख। कहाँ से ला रहे थे? प्रमोद बोला। क्या काम करता आप? क्या नंबर है? काम कर रहे हो? काम क्या करते हैं? व्यापारी कहाँ हुआ है? कर्मचारी व्यापारी के सर संतोपार संघ अध्यक्ष नवीन गुप्ता का यह कहना है। ये हमारे केशवगंज मंडी में खल चूरी के बड़े व्यापारी हैं शंकरदास दुर्गा, उनके मालिक हैं चंद्रमोहन जी, उनका कर्मचारी है रविंदर। साबुन गोदाम में उसको मंडी से अपनी स्कूटी के माध्यम से पैसा देने भेजा था। उसने यहाँ प्रमोद नामक व्यापारी से 4 लाख रुपया उनसे लिया और रुपया लेकर मंडी वापस आ गया। स्कूटी कहाँ है वो वाली? वो पापा के पास होगी, मैं देख रहा हूँ। मैं लेकर आया मेरे पास। चार लोग पड़े हैं यही आसपास पीछे से मोटरसाइकिल पे। दो लोग थे जिन्होंने उसको लात मारी है, क्या मारा ऐसा उसको याद नहीं, और वो स्कूटी से गिर पड़ा। उसके बाद वो 2-3 मिनट के लिए अपना पेशेंस खो दिया। इस दौरान उसकी स्कूटी का लॉक खोल कर और उसमें से 4 लाख रुपये का बैग लेकर वो बदमाश निकल गए। हमने एसपीसीटी को हमने सूचना दी तो जानकारी मिली। यहाँ जो पुलिस आई उनका मंशा ये थी कि वो इसको से कह रहे थे कि तुम इसको बैग की मिसिंग में रिपोर्ट लिखो। मैंने कहा नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं पहुँच रहा हूँ। एसपीसीटी को कहा, एसपीसीटी ने आश्वासन दिया फोन पर ही कि घटना जिस प्रकार हुई है उस प्रकार से लिखी जाएगी। हमारा काम है घटना को वर्कआउट करना, पैसे की बात और वो हम करके देंगे। शीघ्रता से उन्होंने अभी मौके पर भी हमें यही वायदा, हो सकता है उनके मन में कोई संशय हो लेकिन हमारे मन में कोई संशय नहीं है। हमारे कर्मचारी के साथ 4 लाख रुपए की लूट हुई है और सीधी सीधी लूट की। उधर मौके पर मौजूद एसपी सिटी ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। तो उनके कलेक्शन एजेंट के रूप में जो है यहाँ पे आकर के प्रमोद जी की प्रतिष्ठान से वो पैसा लेकर के 4 लाख रुपया कैश और 2 लाख रुपए का चेक बता रहे लेकर चले थे। उनका कहना है कि जब वो पुल के ऊपर आए मलियाना पुल पे तो उनको पीछे से टक्कर सी लगी थी स्कूटी में और उसके बाद उनका कहना है कि वो अचेत हो गए। जब उनको थोड़ी देर के बाद अपने सेंसेस में आए तो उन्होंने देखा कि 4 लाख रुपया उनके जो बैग में रखा था, गाड़ी में रखा था, डिक्की में सीट के नीचे, वो पैसा वहाँ पर नहीं था। इसमें अभियोग किया जा रहा है मेरे द्वारा, एस पी साहब के द्वारा, पुलिस के अधिकारी के द्वारा मौका विजिट किया गया है और इसमें अभियोग पंजीकृत करके हम जल्दी जल्दी जो है माल और मुझे बदमाश बता रहा है। देखिए, ये जो उन्होंने कहा है, हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हम इस घटना को पंजीकृत करके और फिर उसके बाद में माल और मुलजिम के बारे में जानकारी करें। इसको संदिग्ध बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा लेकिन यह है कि जैसे जैसे साक्ष्य आएगा उसके क्रम में कार्रवाई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।